देखो बड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल था, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कंपोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिए, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुट इनटू 1 dm³। 1 dm³ आने से आसान हो गया, वॉल्यूम का कोई इस्तेमाल नहीं, यानी हीटेड टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब जनाब कहानी कुछ ये है कि देखो ये इक्वेशन है, लिख दी मैंने, शुरू में इसके 4 मोल हैं, अच्छा जी, ज़ाहिर है इन दोनों का 0-0 होगा। फिर कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो ऑक्सीजन के 0.8 हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन का 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, तो इसके 0.8 आए होंगे तो इसके 0.8 के डबल 1.6 आए होंगे। अब इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, दोनों की रिश्तेदारी होगी। अगर इसके 1.6 मोल बने तो इसके 1.6 कम हुए होंगे, 4 में से 1.6 माइनस कर दो। यानी भाई देखो, प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, 1.6 ये और यहाँ स्क्वायर और ये 0.8, कोई मोल्स हैं नहीं है तो कोई पावर भी नहीं आएगी। वॉल्यूम बने तो वॉल्यूम का कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, 4 में से 1.6 माइनस किया 2.4, लेकिन बच्चों जो 2.4 है इसका मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि 2 मोल्स हैं। अब बड़ा तगड़ा हो गया है सवाल, डेसिमल के बाद 1 नंबर लेकिन स्क्वायर, तो ये अब 16 × 16 × 10⁻²² हो जाएगा। 0.8 को मैं 8 × 10⁻¹ लिख लूँगा। 2.4 का मतलब है 24 × 24, और डेसिमल के बाद 1 नंबर लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻²। ये −2 −2 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 24 ये हुआ 8, यहाँ से बचा 3 और कैंसिल होगा। जी हाँ, ये 8 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। अब 16 2 ये हमारे पास, अच्छा इन्होंने बल्कि भाई इन्होंने इस फॉर्म में किया ही नहीं है, इन्होंने इसी फॉर्म में छोड़ दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है, तभी कहते हैं ना ऑप्शन देख लेना चाहिए, इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ है तो और अच्छी बात हो गई। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 6। विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर H2SO4? तो भाई नाइट्रेटिक एजेंट नहीं है, बाकी एसिड ऑक्सीडाइजिंग डिहाइड्रेटिंग सल्फोनेटिंग तो है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट ड्यू टू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, बहुत बार डिस्कस किया है। 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल क्या होंगे जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। अब ये देखो बड़ा है, मैं AgNO3 जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है सल्फर, ये किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी को। फिर ये NH2 बेंजीन है अमाइन ग्रुप, तो ये क्या होता है भाई, अमाइन वाले आ की आवाज़ वाले सारे एक्टिवेटिंग होते हैं बच्चों, तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइन फॉलो द ऑर्डर, तो देखो बेटा 3rd degree यानी ऑप्शन बी, फिर 2 degree, फिर 1 degree, फिर 0 degree। फिर RMGX इज ग्रिग्नॉर रिएक्शन, डैश इज यूज फॉर प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेन फॉर्मेलिन। पिक्रिक एसिड का फार्मूला ये देखें नेक्स्ट पेज पे ऊपर दिया है, पिक्रिक एसिड का 2,4,6-trinitrophenol कहते हैं। डैश इज नीडेड फॉर थायरोक्सिन द हार्मोन ऑफ थायरॉइड, तो आयोडीन होता है। SP3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होती है। एक कैलोरी 4.18 जूल होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये चेंज इन एंथैल्पी होती है। फिर Ag इक्वल टू A+, तो KSP क्या होगी भाई, सिल्वर और क्लोराइड की प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। EDTA इज अ पॉलीडेंटेट, 6 डेंटेट होता है वैसे, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा पॉलीडेंटेट। 2012 केमिस्ट्री, इफ द रिएक्शन P+QR+R इट डिस्क्राइब्स एज बीइंग ऑफ 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P, इट मींस दैट, तो बच्चों इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि B को क्या कह रहे हैं, 0, तो B पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा मोलरिटी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0,
फिर सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन इज नोन हैज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फिर अकॉर्डिंग टू डैश प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. 2 ग्राम ऑफ एच टू मोलिकुलर कंटेन मोलिक्यूल, 2 ग्राम है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एच टू का होगा, तो 1 मोल 1 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, तो यही आंसर आ जाएगा. कॉम्पेरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच ई एन सल्फर डाइऑक्साइड, यार एच ई का मास 4 होता है, ये नीचे आएगा अपोजिट आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, डिवाइड किया 16 और 1 का रूट 4:1, तो ऑफकोर्स आंसर इसका हो जाएगा 4. द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, द पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, तो इसका फार्मूला ऑफकोर्स 2n² होता है. और यहाँ पे देखो क्लोरीन है, द वैल्यू -348 किलो जूल इन द केस ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा. ठीक है जी. फिर H2SN एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड. फिर फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज NaCl. और फॉर द रिएक्शन देखो, ये जो M है हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, अल्कली मेटल हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा